हेलो फ्रेंड, मैं आदित्य। आज इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, जैसे फिरोज शाह तुगलक को देखें और फिरोज शाह तुगलक के बाद नेक्स्ट तुगलक डायनेस्टी को पढ़ेंगे। जैसे तुगलक डायनेस्टी में फिरोज शाह तुगलक के बाद उतना इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहा नहीं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसी में मोहम्मद शाह तुगलक के समय में। मोहम्मद शाह तुगलक के समय में यानी 1398-99 में, 1398-99 में तैमूर का इन्वेजन होता है। कहाँ पे? तो नॉर्थ इंडिया में तैमूर्स इन्वेजन होता है नॉर्थ इंडिया में, और यह नॉर्थ इंडिया को लूटता है और लूटने के बाद क्या करता है, वापस चला जाता है। और इसका सपोर्ट कौन करता है? तो इसका सपोर्ट करता है उस समय मुल्तान का गवर्नर होता है, मुल्तान का गवर्नर होता है कौन? तो मुल्तान का गवर्नर होता है खिज्र खां। खिज्र खां सपोर्ट करता है किसको? तो तैमूर को, जिसके सपोर्ट से यह मोहम्मद शाह तुगलक को क्या करता है, हरा पाने में कामयाब होता है। और खिज्र खां को मुल्तान के साथ साथ लाहौर का भी गवर्नर बनाकर क्या, तैमूर वापस चल जाता है। और यही खिज्र खां 1451 में एक नया डायनेस्टी को स्थापना करता है, जिसका नाम रहता है सैयद वंश। तो इस वीडियो में हम मुख्यतः सैयद वंश को पढ़ेंगे। फिर से रिपीट कर देते हैं, जैसे मोहम्मद शाह 1398-99 में क्या करता है, तैमूर अटैक करता है मोहम्मद शाह के ऊपर, और तैमूर को सपोर्ट कौन करता है, खिज्र खां। खिज्र खां उस समय मुल्तान का गवर्नर होता है, और इसके सपोर्ट से यह मोहम्मद शाह तुगलक को हरा पाने में कामयाब होता है। जब हरा देता है तो लौटते समय तैमूर मुल्तान के साथ साथ लाहौर का भी गवर्नर बना देता है, किसको, खिज्र खां को, और यह वापस चल गया। और खिज्र खां यही बाद में सैयद वंश का स्थापना करता है, जो 1451 से लेकर 88 तक लगभग रूल होता है, मतलब 37 साल तक लगभग चलता है दिल्ली सल्तनत के अंदर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में सैयद वंश को देखेंगे। सैयद वंश एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन इसके रूलर को देखेंगे, कौन कौन से रूलर आए थे और उनका टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खिज्र खां का। खिज्र खां कब से लेकर कब तक किया था रूलिंग? तो यह 1414 से लेकर 21 तक किया था। खिज्र खां के बेटा फिर आया था मुबारक शाह। देखिए, खिज्र खां एक शिया मुसलमान था। किस प्रकार का? शिया मुसलमान था। मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक रूल किया था, और मुबारक शाह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था किसको? तो नियुक्त किया था बहलोल लोदी को नियुक्त किया था, और यही बहलोल लोदी को एक टाइटल भी दिया था जिसका नाम था खाने खाना। कौन दिया था? तो मुबारक शाह। किसको? बहलोल लोदी को। क्या टाइटल दिया था? खाना का टाइटल भी दिया था। उसके बाद मुबारक शाह के बाद नेक्स्ट रूलर बनता है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का जो रूलिंग पीरियड रहता है वह 1434 से लेकर 1443 तक, 1434 से लेकर 43 तक रूलिंग पीरियड रहता है।
और इसके बाद लास्ट रूलर बनता है जिसका नाम होता है आलम शाह। का नाम होता है यानी सैयद वंश का लास्ट रूलर कौन है, वो होता है आलम शाह, जो 1443 से लेकर 1451 तक क्या करता है, रूल करता है। जैसे इस वंश के बारे में यह कहा जाता है कि सैयद वंश बिना कोई लड़ाई का, बिना कोई युद्ध का एस्टेब्लिश्ड हुआ और बिना कोई युद्ध का खत्म भी हो जाता है। जैसे आलम शाह को जब पता चलता है कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, किसका, तो हमारे ऊपर अटैक होने वाला है बहलोल लोदी का, तो बहलोल लोदी के डर से आलम शाह भाग खड़ा होता है। कहां तो भाग खड़ा होता है, बदौन। जब बदौन भाग खड़ा होता है तो बहलोल लोदी अपने आप को दिल्ली का अगला रूलर बना देता है, और बहलोल लोदी ही है जो नेक्स्ट वंश का स्थापना करता है जिसका नाम होता है लोदी वंश। तो इस यानी इस अभी तक में हम लोग सैयद वंश को देखें, सैयद वंश के रूलर उतना ज्यादा मतलब सक्सेसफुल रूल नहीं कर पाते हैं, महज 37 साल के रूलिंग पीरियड में ही अपना वंश को क्या करते हैं, खत्म हो जाता है। इसके बाद का जो डायनेस्टी है वो है लोदी डायनेस्टी। अब हम लोदी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग देखें लोदी वंश का स्थापना कौन करता है, तो लोदी वंश का स्थापना करता है बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी एक अफगानी था। अभी तक हम लोग तुर्किस इन्वेजन को पढ़े, तुर्किस यानी जितने भी दिल्ली सल्तनत में आ रहे थे तो वह क्या थे, तुर्की से थे, लेकिन मोहम्मद लोदी क्या था, वह एक अफगानी था। तो लोदी वंश का स्थापना होता है, लोदी वंश का स्थापना होता है, और लोदी वंश कब से कब तक चलता है, तो 1451 से लेकर 1526 तक, और इसी के समय 1526 में ही पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है इब्राहिम लोदी के समय में, हम लोग देखेंगे अभी। तो लोदी वंश का स्थापना कौन किया, तो लोदी वंश का स्थापना करता है बहलोल लोदी। कौन करता है, बहलोल लोदी। जब बहलोल लोदी स्थापना किया, और बहलोल लोदी क्या था, तो यह एक अफगानी था, अफगानी था, यह एक अफगानी था। यह कब से लेकर कब तक रूलिंग किया था, तो यह किया था 1451 से लेकर 88 तक रूल किया था, कहां, दिल्ली में। यह जौनपुर को आक्रमण कर दिल्ली में मिलाया था, दिल्ली में मिलाया था, और 1488 में इसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। और इसके बाद अपना अलग रूलर बनता है जिसका नाम रहता है, इसी का बेटा जो सिकंदर लोदी, या सिकंदर लोदी लोदी वंश का, लोदी डायनेस्टी का सबसे महान शासक होता है, और हम लोग सिकंदर लोदी को पढ़ेंगे। सिकंदर लोदी का पॉलिसी बहुत अच्छा था, और अपने साम्राज्य को विस्तार करने में भी यह कामयाब होता है। जैसे जब सिकंदर लोदी को पढ़ेंगे तो सिकंदर लोदी का जो पीरियड होता है, सिकंदर लोदी का जो पीरियड है, यह 1488 से लेकर 1517 तक रहता है, और यह बिहार और बंगाल को जीतने में कामयाब हो जाता है। यानी यह किसको किसको जीतने में कामयाब होता है, बिहार को, दूसरा बंगाल को जीतने में कामयाब हो जाता है, लेकिन यह ग्वालियर को नहीं जीत पाता है, ग्वालियर को कनकर नहीं कर पाता है, कभी भी ग्वालियर को नहीं जीत पाता है। लोदी यानी सिकंदर लोदी दो मंदिर, एक नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर और दूसरा मेरठ का मंदिर को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। यह दोनों मंदिरों को लूटता है, मतलब बर्बाद कर देता है। कौन, तो एक ज्वालामुखी मंदिर और दूसरा मेरठ का मंदिर को क्या करता है, लूटता है। इसके बाद सिकंदर लोदी ही है जो एक नया सिटी को फाउंड करता है जिसका नाम है आगरा। 1504 AD में सिकंदर लोदी एक नया शहर बसाता है जिसका नाम होता है आगरा, और 1506 में
1506 में अपना कैपिटल को शिफ्ट करता है फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। अपना कैपिटल को शिफ्ट किया। सिकंदर लोधी मेजरमेंट का यूनिट भी चलाता है जिसका नाम रहता है गज ए सिकंदरी। यानी यह मेजरमेंट का यूनिट भी चलाता है जिसका क्या नाम रहता है, जिसका नाम रहता है गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। और 1517 में इसका क्या हो जाता है, बीमारी के कारण मृत्यु हो जाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट रूलर बनता है इब्राहिम लोधी, और हम लोग इब्राहिम लोधी को अगले वीडियो में देखेंगे, और मुगल वंश का स्थापना भी उसी वीडियो में होगा। थैंक यू।